जानना भी एक फॉर्मेलिटी और होना भी चाहिए। इससे पहले भी मैं चारों जिलों में रहा, मीडिया से हमारे बहुत अच्छे संबंध है और मेरा ये मानना है कि हम लोग को एक भूमि के नाते यहाँ पे आते हैं, ज्यादातर लोग आपस से यहाँ रहने वाले भी होते हैं, तो दोनों के आपसी सहयोग से कई सारे ऐसे मामले उजागर हो जाते हैं जो कि अक्सर इस पे लोग मार देते हैं। उन चीजों को भी आपके माध्यम से कई बार हम लोग को देखना मिल जाता है, कार्रवाई भी होती है। और मेरे ये सुना रहे हैं आज बरेली जनपद का चार्ज मेरे द्वारा ग्रहण किया गया है और आज यहाँ पर जो स्थिति है उसको देखा है। अधिकारियों से मैं अभी मीटिंग करूँगा और जो भी समस्या है उनको देखूँगा। इसके अलावा मुझे लगता है कि जन सामान्यों की समस्या सुनना, जो जन सुनवाई करना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है जनता से साथ जुड़ने का। और हम कोशिश करेंगे कि यहाँ के लोगों से समय से ऑफिस में बैठ के मिले और उनकी समस्याओं का समाधान करें। इसके अलावा मैं सभी हमने अधिकारियों को भी ये निर्देश दे रहा हूँ कि आने वाले त्योहारों को और आने वाली सभी चुनौतियों को देखते हुए सभी जो समाज के सम्रांत लोग हैं और पीस कमेटी के सदस्य हैं, इन सभी लोगों से, व्यापारियों से और अन्य जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ में संवाद बनाएँ और उसमें कार्रवाई करें। इसके अलावा जो पुलिस का बेसिक वर्क है, जो कि क्राइम कंट्रोल है और विवेचनाओं का निस्तारण, ये सब चीज़ें हैं, इसके बारे में भी हम निर्देश उनको दे रहे हैं। इसमें गुणवत्ता का ध्यान रखा जाए, किसी भी पीड़ित की ज़रूर इसमें मदद हो और किसी भी दोषी को न छोड़ा जाए और किसी भी गलत व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई न हो। ये जो देखा जाए कि जो वास्तविक रूप से इसमें दोषी है उसी के खिलाफ कार्रवाई हो, तो ये विवेचनाओं में भी ध्यान रखना ज़रूरी है। तो ये सब बृहद निर्देश हम मीटिंग करके अपने अधीनस्थों को देंगे और जो जन सुनवाई है उस पर जरूर विशेष ध्यान रखेंगे। कल जो बारादरी क्षेत्र में कब्जे में लाठीचार्ज किया गया, अब क्या स्थिति है वहाँ, अब क्या कार्रवाई की गई उनके खिलाफ? अभी मैंने कुछ घंटे पहले यहाँ ज्वाइन किया है और जो जितना मैंने यहाँ जायज़ा लिया है वहाँ पे मौके पे पर्याप्त मात्रा में फोर्स लगा हुआ है और वो फोर्स शिफ्टों में लगा हुआ है, अलग अलग सेक्टर और जोन में लगा हुआ है। वहाँ मौके पर शांति व्यवस्था कायम है और बाकी जो इस घटना के संबंध में डिटेल है इसके संबंध में अधिकारियों के साथ जो मौके पर उपस्थित थे और जो साक्ष्य उपलब्ध है उसके आधार पर मेरे द्वारा जायजा लिया जा रहा है और फिर स्थिति को देखा जा रहा है। आज मौके पर सर तमाम जनप्रतिनिधि गए थे, वन मंत्री गए थे, विधायक गए थे, उनका कहना है कि अगली बार, अगला जो सोमवार है उसमें भव्य कांवड़ यात्रा निकाली जाएगी। ऐसे में बड़ा चुनौती है पुलिस प्रशासन के लिए कि किस तरीके से वहाँ से, क्योंकि दो बार निकाली गई, एक बार पत्थर बरसे कांवड़ियों पर, दूसरी बार लाठियाँ बरसी, तो तीसरी बार कांवड़िया डरे हुए कि क्या होगा? देखिए, जैसे मैंने कहा अभी जो कल की घटना है उसके पूरे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को मुझे देखना है और वो देखने के बाद ही मैं उसके बारे में कुछ प्रतिक्रिया दे पाऊंगा। सर, ग्रामीण क्षेत्रों में क्राइम बढ़ता हुआ दिख रहा है, सर जिले की बात कर ली जाए इस रूप में, ये आप क्या कहते हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में जो क्राइम्स हो रहे हैं उसको भी हम लोग देखेंगे और जो विशेष रूप से जो वहाँ के विवेचक या जो जाँच अधिकारी है उनको भी विशेष रूप से ट्रेनिंग या उनको एक ओरिएंट करना ज़रूरी है कि गांव के लोगों को एक तो वो क्राइम समय से पुलिस के पास रिपोर्ट करे, रिपोर्ट करने के बाद में पुलिस उसको प्रॉपर अटेंशन दे दे और उसको सॉल्व करने का हर संभव प्रयास करे, जहां आवश्यकता है वहां पे एसओजी टीम है या सर्विलांस टीम है उसकी भी सहायता वो ले लें। सर, आज भी कई जगह पे छुटपुट घटनाएं हुई हैं, कांवड़ियों का रास्ता रोका गया है, ग्रामीणों के साथ मारपीट की गई है, शेरगढ़ में भी यही घटना हुई है, वहाँ पे धरना चल रहा है, तमाम पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पे है, तो किस तरीके से ये बड़ी चुनौती है क्योंकि अभी चार सोमवार और बचे हुए हैं, ऐसे में कैसे सक्षम कांवड़ यात्रा निकालेंगे? देखिए, जैसे मैंने कहा कि जो आने वाला त्यौहार है और आगे अग्रिम जो भी त्यौहार रहेंगे या जो भी चुनौतियाँ रहेगी वो क्षेत्र में लोगों से संवाद बना करके जो पीस कमेटी के सदस्य हैं, सम्रांत लोग हैं, अन्य जो स्टेक होल्डर से सबसे बातचीत करके उसमें संवाद बना करके चीज़ों को आगे बढ़ाया जाएगा। और सभी अधिकारियों को भी हम यही निर्देश देंगे जो संबंधित स्टेक होल्डर से मोहल्ले के जो रहने वाले लोग हैं उनके साथ में एक मीटिंग कर ले, उसमें संवाद बना ले, उसके बाद में चीज़ों को आगे बढ़ाए। ठीक है।